कॉरपोरेट पर्सनल लीवरेज को होममेड लीवरेज भी बोलते हैं। देखो ध्यान समझना, एक कंपनी को 10 लाख रुपए की जरूरत है, इस कंपनी ने 5 लाख की डेट यूज करी, 5 लाख की इक्विटी यूज करी, 5 लाख की लेख की क्या हो गई इक्विटी एंड 5 लाख की क्या हो गई डेट। तो इस कंपनी ने इक्वल प्रपोर्शन बना लिया तो ये लीवरेज हो गया। मतलब जब डेट में इक्विटी का मिक्सर करते हैं, मिश्रण करते हैं, मिक्स करते हैं, तो उसको हम कॉरपोरेट लीवरेज बोलते हैं, जब कंपनी ये काम करती है। बट मैं घर पे भी तो कर सकता हूँ, मेरे पास अपना फंड है वो इक्विटी हो गई, ओनर फंड तो इक्विटी होता है, आई एम दी ओनर, मेरे पास अपना फंड है, मेरे पास 10,000 रुपये हैं और इस 10,000 रुपये को मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, बट मैं पहले लीवरेज करना चाहता हूँ। मैंने क्या करा, 10,000 रुपये को बोरो कर लिया बैंक से या कहीं से भी लोन ले लिया, मुझे भी उसी रेट पे मिलेगा जिस रेट पे कंपनी को मिलेगा, दोनों को सेम रेट का ना, एक ही रेट पर आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो, सबके लिए एक ही रेट चलेगी, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या करा, 10,000 रुपये मेरे पास है, 10,000 मैंने बोरो कर दिए और टोटल मिला के 20,000 हो गए। इस 20,000 को मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। तो जो मैंने घर पे अपना लीवरेज तैयार करा है, डेट इक्विटी का जो मिक्सचर बनाया है, इसका नाम रखा है पर्सनल लीवरेज, और जब कंपनी ये काम करती है तो उसका नाम है कॉरपोरेट लीवरेज। अब सुनिए, एसेंशन क्या थी इनकी, एमएम मॉडल की, कि पर्सनल लीवरेज एंड कॉरपोरेट लीवरेज आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, एक ही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे चल के मैं जब इसकी क्रिटिसिज्म बताऊंगा, जब आपको बताऊंगा इसमें क्या प्रॉब्लम है।